हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बलूचा डिसूजा शाहरुख खान की फिल्म फैन में नजर आई थी। वे भारत की बेहतरीन मॉडल्स में शुमार हैं। उनका पारिवारिक जीवन ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। मार्क रॉबिन्सन से शादी करने के बाद उनका जीवन साल दर साल उलझता चला गया। दोनों की शादी अब टूट चुकी है। एक इंटरव्यू में बलूचा ने अपनी शादी की परेशानियों का जिक्र किया है। बलूचा डिसूजा 19 साल की उम्र में मार्क रॉबिन्सन से प्यार कर बैठी और साल 2002 में दोनों ने शादी कर ली। इसके कुछ समय बाद बलूचा 3 बच्चों की मां बन गई। अपने करियर को दरकिनार कर परिवार के पालन पोषण में पूरी तरह मशगूल हो गई। स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर से ध्यान हटा लिया और सारा समय परिवार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उन्हें इसका नुकसान ही झेलना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके पति मार्क से उनके रिश्ते बिगड़ते गए। शादी के 10 साल बाद दोनों के बीच तलाक भी हो गया। तलाक की वजह मार्क का बलूचा के करियर में दखलंदाजी बताया गया। मार्क ने उनसे ये करवाया कि वो अपने मॉडलिंग करियर को त्याग कर अपना पूरा समय सिर्फ घर वालों को देंगी, लेकिन बलूचा ने इसका कोई विरोध ना करते हुए वैसा ही किया। यहाँ तक उन्होंने अपने करीबी दोस्तों तक से बातचीत कम कर दी। इसके बावजूद भी दोनों के बीच रिश्तों में खटास बढ़ती गई। ज्यादा अनुशासन और बाध्यता किसी को भी परेशान कर सकती है और बलूचा के साथ भी यही हुआ। एक तरफ उनका खत्म होता करियर, बढ़ती उम्र और पति मार्क से अनबन के कारण उनका जीवन बेबसी और निराशा से भर गया। उनकी सोशल लाइफ ना के बराबर हो गई थी, जबकि उनके पति मार्क इन सबसे अलग पार्टियों और समारोह में बराबर शरीक होते थे। बलूचा को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तलाक की सख्त जरूरत थी। तलाक के बाद उनके करियर ने फिर रफ्तार पकड़ ली। अपने जीवन के कठिन दिनों के बावजूद भी उनकी खूबसूरती में वो सारे रंग मौजूद थे जो शादी के पहले थे। बलूचा ने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया और मिस बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब जीता। साथ ही शाहरुख खान की फिल्म फैन से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज भी किया। अब खबर है कि वह दबंग रिंग 3 में सलमान खान की हीरोइन बनेंगी।